हेलो कैसे गाइस। देखिए ये डब्बा गिर गया। देखिए मैंने मलाई खाली करी है और ये पानी है और सारी मलाई खाली कर ली है। तो मैं इसका घी कैसे निकालूंगी, पहले इसका मक्खन निकालूंगी फिर उसके बाद इसका घी निकालूंगी। तो आप बने रहिए और मेरे साथ देखिए मैं इसका घी कैसे निकालती हूँ। तो ये देखिए कितना सारा गिर गया। तो देखिए ये मेरा पानी गर्म हो गया है और ये मैं इसमें डाल लेंगे, इसमें डाल के उसको अच्छे से हिला लेंगे, जो भी इसमें मलाई हमारी लगी हुई है वो सब निकल जाएगी। देखिए ये हमारा सब क्लीन होगा। देखिए तो देखिए मैंने लगभग यहाँ से सारा साफ कर दिया है मेरा मलाई। कलछुल से बिल्कुल छूट गया है क्योंकि इसने पानी छोड़ दिया है। तो ये देखिए ये हमारा मट्ठा निकल चुका है। ये देखिए अच्छे से दिखा रही मैं आपको गाइस। देखिए हम घर में इस तरीके से। तो देखिए गाइस ये मक्खन निकल चुका है, छाछ अलग हो चुका है देखिए। और मैं इसको अच्छे से एक साइड कर लूँगी ताकि मैं मक्खन एक अलग कर लूँ और छाछ अलग कर लूँ। देखते रहिए। अब इसको मैं एक निकाल लूंगी एक डोंगे में। ये देखिए हमारा एक डोंगा भर चुका है। अभी इसमें और बाकी है छाछ, इसको भी हम अलग कर लेंगे। अच्छे से दबाएंगे तो सारा छाछ लगभग निकल जाएगा और हमारा मक्खन एक साइड हो जाएगा। जैसे इसका घी निकल जाएगा उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखिए मेरा छाछ निकल चुका है। अब मैंने इसको इंडक्शन पर रख दिया है पकने के लिए। और ये देखिए घी हमारा निकलना तैयार हो गया है, अच्छे से निकल भी चुका है। इसमें 5 मिनट और लगेंगे। ये देखिए ये पूरा हमारा लगभग तैयार हो गया है। ये अब हमने इसमें छान लिया है, डब्बे में भर लिया। ये हमारा 1 से 1.5 किलो था। आपने मैंने ये घी कैसे निकाला, इसमें मलाई इकट्ठा करी, फिर उसका मैंने बटर निकाला, छाछ निकाला, छाछ को मैंने एक साइड कर दिया, फिर उसके बाद मैंने उसको पकाने रखा। देखा आपने, और मेरा अच्छा खासा घी निकल जाता है, मेरा 1 या 1.5 महीना चल जाता है। तो गाइस आप भी ऐसे ही घर में मलाई इकट्ठा करिए, वैसे तो आप करते होंगे लेकिन मैं उनको बताना चाहती हूँ जो मलाई को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, तो आप इस तरीके से इकट्ठा करिए और हमारे घर में बच्चों के लिए और फैमिली के लिए घी इकट्ठा हो जाएगा। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए। बाय गाइस, फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में।